अस्सलामुअलैकुम। कैफ वन लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ा था उसमें कोई मसला? होमवर्क का सलूशन आपको मिल गया है। वो क्वेश्चंस जो ये थे, वो क्वेश्चंस जो ये थे, 19वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये इनके आंसर्स आपको मिले हुए हैं। ये तो लेक्चर 2 का हैंड आउट है ना, तो आज वाले हैंड आउट में मैंने 2, तो एक दिन बाद सोल्यूशन साथ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं। आप लोग पहले सवाल करते हैं, जैसे अभी ये दो सवाल हैं, कासम वाला और एहसान वाला, ये दो सवाल मैं यहां सॉल्व करूंगा। आपने घर सॉल्व किए हुए हैं तो फिर यहां पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो बाकी मेरे ख्याल में तो अलग से कोई रिवीजन वाले आइटम्स थे नहीं कि कल वाला लेक्चर में रिवाइज करूं। बेसिकली ये दो सवाल करवाऊंगा तो कल वाला सारा कुछ रिवाइज हो ही जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे ना मोस्टली जो आंसर्स वो डेसिमल में आ रहे हैं, राउंड ऑफ करने हैं? करें राउंड कर दिया करें। राउंडिंग इज नॉट अ मिस्टेक, ये जेन में रखिएगा। हाँ, बस राउंड को करना जरा ध्यान से है। राउंड 0.4 तक हो तो राउंड डाउन कर लिया करें, 0.5 या ऑनवर्ड्स हो तो राउंड अप। राउंडिंग का कोई मसला नहीं है। राउंडिंग इज नॉट अ मिस टेके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कासिम वाला बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन इसको करना इसलिए है कि इसमें हमने कुछ चीजें सीखनी है आज, जरूरी, ठीक है। कासिम परचेज एन एसेट फॉर 90 ऑन 1 जनवरी 10। ये ना आपस में नहीं बोलना यार, मैं क्लास से निकाल दूंगा अगर, ठीक है। आपको समझ ना आए 10 बार मुझसे पूछो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, हंसाता मैं खुद रहूंगा, लेकिन अगर आप बोलोगे ना डिस्टर्बेंस होती है फिर मुझे, ठीक है। ओके प्लीज, कासिम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 90 ऑन 1 जनवरी 10। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ, अच्छा लाइफ इज 3 ईयर्स एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर। रिक्वायरमेंट थी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बैलेंस शीट के सिर्फ, लेकिन अच्छा वो डायरेक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको अकाउंट्स बनवाऊंगा। असल में ये सवाल इतना आसान वैसे करने की जरूरत नहीं थी। आवाज सही आ रही है हाइब्रिड वालों? आवाज तस्वीर सही है? दोनों क्लासेस साथ खड़ा कर दें, सही है। अच्छा, आसान सवाल है, लेकिन कल जाते जाते एक जुमला बोला था मैंने जब डेप्रिसिएशन की एंट्री सिखाई थी, कि डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट भी हो सकती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट भी हो सकती है, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन देती है अक्यूमुलेटेड एसेट को क्रेडिट करने वाली एंट्री। ये कैसे बेटर प्रेजेंटेशन देती है, ये प्रूफ करने के लिए हमने आज ये वाला कासम वाला सवाल करना है, ठीक है। शुरू करें जी, चल। सवाल इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लेक्चर नहीं, ये 2 का हैंड आउट है। लेक्चर तो नंबर तो 3 है, वो तो मैंने पहले बता दिया है। लेक्चर 2 के हैंड आउट से हमने ये सवाल करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो एक्सट्रैक्ट है, लेकिन मैं अकाउंट भी बना रहा हूं, एसेट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। सर ये किसने लिखा था? सर क्या काम है, पूछना चाह रहा हूं सर। हाँ जी बोले, मैं वो पूछना चाह रहा हूं, नहीं बताना ना बताए जी। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड, बड़ी एक अहम बात कल मैंने आपके साथ की थी कि अगर अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट नजर आए तो उसका मतलब होता है एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। अकल वालों के लिए निशानी है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नजर आने में। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आए तो समझ जाओ एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एसेट के अंदर होने वाली कमी यानी डेप्रिसिएशन को एसेट के अकाउंट में क्रेडिट किया ही नहीं, उसको तो अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर एसेट अकाउंट में क्या नजर आएगा? कॉस्ट, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं एट कॉस्ट, लिखा था ना कल। चलो सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें हमने कुछ चीजें सीखनी है, बुनियादी चीजें हैं, कभी भी इजी नहीं लेना इनको, इन्हीं की बुनियाद के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। छोटी चीजों को इजी लेने वाले ही बाद में परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, 1 जनवरी 2010 को हमने एसेट खरीदा, एंट्री अब एंट्री दिमाग में किया करेंगे। देखें सवाल इस टॉपिक में से किस किस तरह आ सकता है, वो जनरल एंट्रीज मांग ले आपसे,
वो लेजर बनवा ले आपसे, वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनवा ले आपसे, वो नोट बनवा ले पीपीई का, नोट तो भी हम बनाएंगे 10वें 11वें लेक्चर में जाके कहीं, जो हो सकता है पहले रिवीजन शुरू कर दें और उसके भी बाद बनाए, ठीक है ना। तो डिफरेंट तरह से सवाल आ सकता है, अब जो रिक्वायरमेंट हो सिर्फ वो करना है। ये कल मैं क्लास के अंदर तो जो मुमकिन हो करवा देता हूं ताकि बच्चा एक सवाल में सारा कुछ कर ले, लेकिन पर्चे में ये पागलपन नहीं करना। वो कहे जनरल एंट्रीज कर दो, आपको नहीं, हम तो जनरल एंट्रीज भी करेंगे, हम तो लेजर भी बनाएंगे, और एक्सट्रैक्ट बगैर तो मजा ही नहीं आता। अच्छा, अब जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है उसकी आई कैप के पर्चे में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा काम कर दिया ना, उस एक्स्ट्रा काम की वजह से आपका इतना टाइम जाया हो गया कि वो अगले सवाल में जो रिक्वायर्ड था वो पूरा नहीं कर पाओगे, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा, तो वहां से मार पड़ जाएगी। तो जितना रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतना काम करना है, ओके। तो एंट्री हो गई, सिखानी थी, अब एंट्री जबानी बोला करेंगे, यहां पर पोस्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो एंट्री बोल लें, हाँ, बेशक शोर ना मचाएं, सर आगे रोजे आ रहे हैं, हमारा तो गला खुश्क हो जाएगा, शोर नहीं मचाना, आराम से, लेकिन अपने कान तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था एंट्री बोलने वालों को पास होते देखा है मैंने, ठीक है। तो एंट्री हो गई, ऐसे डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई और एडिशन, कोई और डिस्पोजल, तो फिर 31 दिसंबर 10 पर क्लोजिंग बैलेंस 90 आ गया, ठीक है। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरफ आते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन इतनी को सिंपल है कि हम उसके लिए वर्किंग भी ओपन नहीं करते, बहुत सिंपल। 90 रुपए का एसेट है, रेजुल वैल्यू 0 है, और लाइफ 3 साल है, तो 90/3 30, हर साल की डेप्रिसिएशन 30 रुपए, ठीक है। ये भाई आप ब्लैक कैप इतने वेस्ट इंडीज कह रहा हूं, न्यूजीलैंड वाले, आप पहला दिन तो नहीं आए, समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, तो पहली एंट्री 31 दिसंबर 2010 पर होगी इस अकाउंट के अंदर, और वो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिमागों में डेबिट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन एग्जामिनर को बताओ, जैसे कल बताया था वो गिला करता है, 30 कैसे निकला मुझे नहीं पता लग रहा होता, उसको बताओ ऐसे निकला। ये वर्किंग है, जरूरी नहीं है वर्किंग की हेडिंग वर्किंग 1 दी हो, वहां पर ये 90/3 किया हो, यहां पे वर्किंग रेफर की हो, तब वर्किंग होती है। ये ब्रैकेट में लिख दिया, इट इज इनफ वर्किंग, ब्रैकेट में तफसीली छोटी सी वर्किंग है, ब्रैकेट में करो बस, ठीक है, क्लियर। चलो जी, साल हुआ क्लोज। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, ऊपर रुपीज लिखना जरूरी है, यहां पे अगर लेजर रिक्वायर्ड हो तो यहां पे वो बॉक्स टोटल वाला लगाना जरूरी है, ये अब सारी चीजें आपको पता है, मैंने पहले दिन आपको बना के दिखा दिया सही वाला लेजर। अब अगर लेजर रिक्वायर्ड होगा तो लवाजमात पूरे आपने रखने हैं, ऊपर रुपीज लिखना, यहां पर टोटल्स के डिब्बे लगाना, तो ये पर्चे में जब रिक्वायर्ड हो लेजर तो ये सारी चीजें करनी है, मैं अब नहीं किया करूंगा, ठीक है। लेकिन ये रुपीज वगैरह लिखना, रुपीज इन 1000 लिखना, ये जब क्लास में कल से अब ये तरतीब होगी, आज तो मैं सवाल पहले करवाता हूं, आप नोट करते हैं ना, कल से फिर हम एक सवाल मैं करवाता हूं अगर किसी चीज का, तो दूसरा आप किया करेंगे पहले, फिर मैं यहां सॉल्व करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो, तो फिर मैं चल फिर के देखता हूं सवाल। तो वहां पर लवाजमात की कमी मैंने जहां देखी तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पर्चा देना है, ठीक है ना, सही है जी। बच्चों 31 दिसंबर 2010 कैरी डाउन 30, नेक्स्ट ईयर आएगा, सबसे पहला काम 1 जनवरी 2011 ब्रॉड डाउन 90। कोई एडिशन है जी, कोई डिस्पोजल, तो जो ओपनिंग है वही 31 दिसंबर 11 पर क्लोजिंग बैलेंस 90। इसका भी वही ओपनिंग क्लोजिंग बना लें? Yes, नहीं भाई, यही ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बन सकता इस साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलेंगे। अच्छा, रिक्वायर्ड हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना सकते हैं, लेकिन मैं बना नहीं रहा क्योंकि यहां से काम चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर यहां नजर आता जाता है, और एज ऑन क्लोजिंग यहां से नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिमागों में डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, अब वर्किंग शो करने की कोई जरूरत नहीं है,
एक बार ऊपर शो कर दी ना कैसे 30 आया है, तो अब 30 लिख सकते हैं हम आगे। ओके जी, क्लोजिंग हो गया, बातें मत करो। 60, 31 दिसंबर 11 क्लोजिंग 60, ठीक है जी। एक्सक्यूज्ड जी, बिल्कुल ब्लू से करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अभी आप क्लास में गुंजाइश तो होती है, वैसे डिफरेंट कलर्स बच्चे यूज करते हैं नॉर्मली, रेड ब्लू भी साथ रखा होता है, कोई निशान लगाना है, कोई स्टार लगाना है, कोई पॉइंट लिखना है, लेकिन अच्छे बच्चे वही होते हैं जो जो काम करना है अल्टीमेटली उसी को शुरू से तरतीब बना के रखते हैं। आप लोगों की जिंदगियों में होने ही ब्लैक बॉल पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, तो रखेंगे वही। बाकी क्लास में तो चलो रजिस्टर पे गुंजाइश निकल आती, कभी नहीं है, लेकिन इवन क्लास टेस्ट होंगे जो असेसमेंट टर्म टेस्ट, यहां पे भी जो ब्लू मार्कर से बॉल पॉइंट से मार्कर नहीं बॉल पॉइंट से करता है सवाल, उसको क्रॉस कर दिया जाता है और उसका नंबर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इसकी हैबिट बनाकर रखें, आपके पास होने सारे चाहिए क्लास के अंदर ना, आपने कुछ लिखना है, निशान लगाना है, हाईलाइट करना है, कुछ स्टार लगा के पॉइंट लिखना है, रेड भी हो, ब्लू भी हो, ग्रीन भी हो, बेशक सारे रंग हो, लेकिन सवाल ब्लैक से करना है टेस्ट में, खास तौर पे पेपर में भी, ठीक है। यकम जनवरी 2012 ब्रॉड डाउन, कोई एडिशन या डिस्पोजल नहीं है, तो जो ओपनिंग है वही। सर इतना आसान सवाल, आप टाइम जाया कर रहे हैं सर। हां कर रहा हूं फिर जी, टाइम पास भी तो करना है जी। 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और क्लोजिंग 90 रुपए आ जाएगा 31 दिसंबर 12 पर। वैसे तो चलें थोड़ी जगह ना, आगे कोई डिस्कशन करनी हो तो फिर मैं कर लूंगा, ठीक है। अच्छा असल में तो क्या था, एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड थे, तो एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, वैसे ना यहां पे जगह थोड़ी सी छोड़ देना, मेरा दिल है कि मैं ऐसे ही 13 के बारे में डिस्कशन करूंगा तो वहां पे भी बना दूंगा, ठीक है ना। वैसे रिक्वायर्ड तो है 12, 11 और 10, ठीक है। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, बैलेंस शीट के अंदर ये नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है, तो फिर नजर भी नॉन करंट एसेट्स में ही आएगा। बड़े होंगे तो नाम इसका रखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई, ठीक है, लेकिन फिलहाल बचपन चल रहा है तो चलने दें। नॉन करंट एसेट्स पर्चे में पूरा लिखना है, एनसीए नहीं लिखाना, वो कहिए पता नहीं कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ उन्होंने नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। उनमें एसेट का नाम होता तो वो लिख देते, नाम नहीं है तो बस एसेट लिख दे। फिर इसमें से लेस होगी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू आ जाएगी। एसेट 10 में कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ, मैं चेक करूंगा, ये 2 दिन देख लो फिर चेक होना शुरू होगा। जिस दिन आप नहीं करके आओगे उस दिन तो चेक हो ही जाना है। वैसे मैं 1-2 दिन बाद चलो तरह रवा हो जाए ना, बच्चे रनिंग चल रही होती है ना, 2-3 दिन बाद फिर इंशाल्लाह फिर डंडा भी यहां रख लेंगे, ठीक है ना, दिखाने के लिए, सिर्फ डराने के लिए, ठीक है। होमवर्क कौन कौन करके आया है ये मैं चेक कर लूं, हाथ नीचे करें, कौन कौन नहीं करके आया है। अच्छा अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिन्होंने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया कौन लोग हो यार, तुसी कौन लोग हो यार, ना तुसी हिल लो ना कुकड़। हिल मीन्स चील, कुकड़ मीन्स मुर्गा। अच्छा जी यार अब आता, हाथ खड़ा किया करो यार, किसी एक तरफ तो हुआ करो, तुम लोग भी किसी एक तरफ के नहीं हो जी। एसेट 90 का है, 30 रुपए डेप्रिशिएट हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है। अच्छा एक बात सुने,
अकाउंट्स के बगैर ये इतना आसान है एक्सट्रैक्ट के बनाया जा सकता है, तो अकाउंट्स को मत देखें वैसे बनाए, ठीक है ना। एक एसेट हमने नवे का खरीदा था, वो कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, तो वो तीनों साल नवे ही है। लेकिन ये बैलेंस शीट बन रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर यहां नहीं आ रहा, यहां एज ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है। अब वो अलग बात है कि पहले साल में 30 रुपए ही इस साल की डेप्रिसिएशन थी और आज तक की भी इतनी ही थी, ये पहला साल था इसका। लेकिन जब दूसरे साल में गए तो इस दूसरे साल की डेप्रिसिएशन तो 30 है, लेकिन क्लोजिंग एक्यूमुलेशन कितनी बन जाएगी 60, ये बच गया 30, और तीसरे साल में 39 और 0। ये सिचुएशन कहलाती है कि जी ये एसेट फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट हो गया है, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। एसेट कभी, एसेट जो है वो फुल्ली डेप्रिशिएटेड कब बनता है? फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट कब बनता है? जब उसकी बुक वैल्यू जीरो हो जाए या उसकी कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर हो जाए। ये दोनों एक ही बात है। कॉस्ट ये एंड वालों नजर आ रहा है, ज्यादा करीब तो नहीं लिखा गया। बुक वैल्यू जीरो हो जाना या कॉस्ट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, एक ही बात है ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही तो बुक वैल्यू होती है। तो अगर कोई एसेट ऐसा है जिसकी बुक वैल्यू जीरो हो गई है या उसकी कॉस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर हो गई है, तो ऐसे एसेट को हम कहते हैं ये एसेट फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट। अब अगला सवाल जहनों में क्या आता है, कि क्या जो एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाए वो आइंदा कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या हमने सोचा था कि हमारी ये लेट से कार है, ठीक है, तो ये कार 3 साल चलेगी, तो तीसरे साल के एंड पे जब 31 दिसंबर 12 की शाम को रात 12 बजे तो आपको बाहर धमाके की आवाज आई, आपने बाहर जाकर देखा तो गाड़ी के टायर वो पड़े हैं, दरवाजा इधर पड़ा है, शीशा इधर आगे गिरा पड़ा है, ठीक है जी, गाड़ी नहीं है, मतलब रही नहीं, गाड़ी नहीं रही, तो आपने कहा ये क्या हुआ, तो दूसरा भाई साहब बड़ा ने कहा था फुली डेप्रिशिएट नहीं हो गए, आगे तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया है, कोई मसला नहीं, आप जब तक इसको बेचो ना ये आपकी किताबों में रहेगा, इस्तेमाल तो कर सकते हो, मजीद डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। इस्तेमाल हो सकता है पर मजीद डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। यानी अगर मैं इसके नीचे ये क्रॉस नहीं किया, मैंने जरा अच्छा करके लिख लेते हैं, ये कौन सा एसेट था जी? फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट है। इसके बारे में मैं एक लाइन लिख सकता हूं, इट कैन बी यूज्ड इन फर्दर ईयर्स या नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इन फर्दर ईयर्स, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड। जी देखो, एक पानी के जग में से ना एक ही पानी का जग निकलेगा, दो नहीं निकल आते। एक एसेट की कॉस्ट 90 रुपए है तो मैक्सिमम उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू का लॉस 90 रुपए ही हो सकता है। आप 90 रुपए के एसेट को 120 आप अगले साल आए, आप निकालो जी, एसेट तो हमने बेचा नहीं, 31 दिसंबर 13 आ गया, तो कॉस्ट तो 90 ही है, लेकिन एक्यूमुलेशन मजीद 20-30 रुपए करके आपने 120 कर दी और आपका -30 का एसेट आ रहा है। लो, नेगेटिव एसेट आ गया। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एसेट इन अकाउंटिंग। आप इसको यूज बेशक करें, मजीद डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, मतलब कॉस्ट में 90 रुपए पड़े रहेंगे, एसेट अकाउंट में कॉस्ट 90 रुपए पड़ी रहेगी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 90 पड़ी रहेगी, बुक वैल्यू इसकी जीरो है, चाहे अगले 10 साल इस्तेमाल करते रहे, मत बेचें।
इस्तेमाल हो सकता है, मजीद डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। ठीक है, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बीच में देना था जरा, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे ये मैंने जगह बनाई थी, बढ़ा लेते हैं, यकम जनवरी 13 को ये ब्रॉड डाउन में आएगा और अगर नहीं बेचा आपने स्टिल तो 31 दिसंबर 13 पर ये अभी भी पड़ा हुआ है। ये ना एक फुल फ्लाई सवाल करेंगे जिसमें फिर इसको कुछ दिन बाद बेचेंगे भी सही, फिर आपको सही समझ आएगा इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट जितना यहां पे दिया वो तो बाहर यहीं पे ऑब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, और इधर देखें, यकम जनवरी 13 पर ब्रॉड डाउन 90 हुआ है। अब चूंकि ये एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है, असल में ना सवाल फुल फ्लैज के अंदर बहुत सारे एसेट्स होंगे जिनमें से कोई एक एसेट जो है वो फुली डेप्रिशिएट होगा ना। ठीक है, बाकी तो मौजूद होंगे, तो फिर पूरी वर्किंग आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेकिन बेस तो बाहर यहां पे अलग ही बनानी थी ना। ठीक है, तो ये एसेट 90 रुपए की डेप्रिसिएशन इसकी पड़ी हुई है, ये एसेट इस्तेमाल करें बेशक, डेप्रिसिएशन नहीं करनी। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90 है तो 90 ही रहेगी। ठीक हो गया, कोई मसला यहां तक? हाँ, लेकिन हम तो प्रूफ करने असल में निकले थे, बीच में ये बात वैसे ही आ गई। फुली डेप्रिशिएटेड वाली बात तो वैसे ही आ गई, हम तो असल में प्रूफ करने निकले थे कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रखना ये ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन देता है एसेट को कम करने से। ठीक है जी, की बजाय जी बोले क्या करें फिर, आप बताएं। देखो ना, आप बताओ, या तो हम कुछ दिन पहले ही है, दूसरे साल में हम एस्टीमेट चेंज कर लेते, वो अकाउंटिंग में सिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब 3 साल में हमने उसकी 90 की कॉस्ट कर दी, कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर दी, अब क्या कर सकते हैं, मजीद डेप्रिशिएट तो नहीं ना कर सकते बेटा। अब इसको ज्यादती नहीं है, हमारा तो यही था कि 3 साल बाद इसको हम खत्म कर देंगे इसका इस्तेमाल, 3 साल ही हमें फायदा देगा, लेकिन वो आगे देता गया। एक सवाल पूरा हो ले, तो फायदा देता जा रहा है, तो ठीक है देता जा रहा है, कोई बात नहीं। उन 3 साल में भी रेवेन्यू तो आया ही था ना अंदाजा। देखो, डेप्रिसिएशन इज एन एस्टीमेट, मैंने पहले दिन बताया था, इट मे चेंज, चेंज हो सकता था लेकिन नहीं किया आपने, फुली डेप्रिसिएट कर गए आप। हो सकता है पहले साल गुजरने के बाद दूसरे साल में कहते नहीं 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 ये तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, इसकी रिमेनिंग लाइफ 2 नहीं अभी 5 साल और है, तो अकाउंटिंग बदल जाती। लेकिन ऐसा नहीं होगा, होगा जब तो फुली डेप्रिसिएट हो जाएगा, और वंस इट इज फुली डेप्रिसिएटेड अब फिर कुछ नहीं हो सकता, कर ही जाओ इस्तेमाल, अच्छा है ना। रेवेन्यू आ रहे हैं उसके अगेंस्ट कॉस्ट ही कोई नहीं है, मौजे वेव्स मौजे। एक्सपेंस कम हो रहा है बेटा, अब टैक्स की बात, आप टैक्स की प्लानिंग के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि जी हमारा एक एक्सपेंस नहीं आ रहा इस वजह से क्योंकि हमारा ऊपर रेवेन्यू आ रहा है, नीचे हमने डेप्रिसिएशन नहीं ली, तो भाई पिछले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा भी तो ले ली है, तो पिछले साल में टैक्स कम भी तो आया है, तो फिर तो टाइमिंग डिफरेंस है ना। इस तरफ तो बहस लेके जाओ, तो फिर चलते जाओ बेटा। टैक्स तो पहली बात में पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, ये सर अदनान से पूछना कि सर हमने टैक्स, हमने आज एसेट बेचा है, हमने एसेट बेचा उस पर गेन आ गया, वैसे जब गेन ऑन डिस्पोजल आएगा ना कल आएगा, आज डिस्पोजल शुरू किया है कल खत्म करना है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगा, जब लेके जाऊंगा तो वो इनकम बनेगी, जब इनकम बनेगी तो प्रॉफिट में एड होगी। लेकिन सर से पूछना ना क्या होना है, वैसे नजर आ जाएगा आपको प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, एडवांस बात है, अभी फिलहाल सादा बात को सादा ही रखो जी। भाई आपका सवाल था, असल में हो सकता है ना, कर ही जाओ, मैंने कहा वेव्स हैं, ओके किल करो, मौजे हैं, मौजे मारो। अच्छा जी, अगर हम ये मार्कर इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, और अगर हम ये मार्कर इस्तेमाल करेंगे तो गुजारा हो जाएगा। चले, अगर हम एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में करने की बजाय एसेट अकाउंट में करने का इरादा कर लें, तो ऐसी सूरत में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का वजूद ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये वजूद में आई कब था, जब डेप्रिसिएशन, देखो एसेट खरीदने पर अक्यूमुलेशन का अकाउंट नहीं बना था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब कैलकुलेट किया था और उसकी एंट्री पास की थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit, वो तब वजूद में आया था। अब अगर हम ये एंट्री बदल दें, accumulated depreciation को credit करें ही ना, तो फिर तो इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है कि यहां जगह नहीं बची, accumulated depreciation कहां आएगा, वो आएगा ही नहीं।
एंट्री बदल रहे हैं जी। यक्रम जनवरी 2010 को एसेट खरीदा, खरीदने की एंट्री वही रहनी है। बोलो एसेट डेबिट, एसेट का आना तो एसेट अकाउंट में डेबिट ही होता है, तो एसेट डेबिट कितने से? अब ये एंड आया, 30 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, एंट्री की हमने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसी तरह दिमाग में डेबिट और अक्यूमुलेटेड एब्सेंट की बजाय एसेट ही क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। 31 दिसंबर 2010 पर एग्जामिनर, ये हमने 90/30 किया है। और जब ऐसा हुआ तो ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर 10 पर एसेट अकाउंट ने क्लोजिंग क्या शो किया? 60. ये क्या है 60? ओ, यानी के अगर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री को एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट कर दें, हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट कर दें, तो ऐसी सूरत के अंदर एसेट अकाउंट एसेट की बुक वैल्यू शो कर रहा होता है। ये जिस दिन मैं सिखाऊंगा ना, एक दिन इस पे भी लगना है, उस दिन हमारे टॉपिक की हेडिंग होगी प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू, वो ये वाला काम करेंगे। अब एसेट अकाउंट कब बुक वैल्यू पे चला जाता है? जब डेप्रिसिएशन की एंट्री अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में करने की बजाय हम एसेट अकाउंट में करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये काम तो 3-4 दिन बाद जाके करना था, लेकिन चूंकि कल एक लाइन बोली थी कि प्रूफ करेंगे कि ये बेटर क्यों है, इसलिए ये जरा आ रहा है। चलो अच्छा है, एक बार देख भी लोगे, फिर जब जिस दिन इसकी बारी आएगी, जागते जागते सुनो, जब इसकी बारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह ये करेंगे भी सही जाके तफसील से। तो उसकी हेडिंग क्या होगी? प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट एट, उसका मतलब क्या होगा? एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो कर रहा है क्लोजिंग में। यहां पे देखो एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है, और यहां पे क्यों, यहां पे क्यों कॉस्ट शो कर रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री इस अकाउंट में क्रेडिट नहीं की थी, अलग रख ली थी, तो वो कॉस्ट पे पड़ा रहा। लेकिन जब डेप्रिसिएशन की एंट्री इस एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दी, तो फिर एसेट अकाउंट क्लोजिंग में क्या शो करने लग गया? तो इसको कहते हैं प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट एट कॉस्ट, और फिर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के अंदर अलग, और इसको कहते हैं प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू। ऐसी सूरत में डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कहां होती है? एसेट, ठीक हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट ईयर ओपनिंग है यकम जनवरी 11 पर, कितना 90 ना कर लें, अच्छा क्लोजिंग ही ओपनिंग बनेगा, ठीक है यार। ये 23 पे करा दो भाई कम से कम, फिर देखते हैं अगर बच्चों को ठंड लगी तो। अच्छा, अब अगले साल में फिर डेप्रिसिएशन होगी। बोलो, वैसे बच्चों के पास भी है ना रिमोट, कर दो यार 23 पे सारे, जिन जिन के पास है 2-3 बच्चे रखा करो रिमोट, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 31 दिसंबर 2011 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट दिमागों में, और एसेट क्रेडिट 31 दिसंबर 2011 की शाम को क्लोजिंग 30 रुपए है, और ये क्या है? बुक वैल्यू। तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे, कोई बंदा कहे ना एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बने तो सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, तो आप उसे कहना है ये तो मसला ही कोई नहीं है, इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसेट के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है, ठीक है, क्रेडिट। ओके जी, नेक्स्ट ईयर यकम जनवरी 12 ब्रॉड डाउन 30। भाई नजर आ रहा है ये ब्लू वाला एंड पे नजर आ रहा है, हाइब्रिड नजर आ रहा है सबको, हाथ हिला दो। ये ब्लू वाला थोड़ा डिफरेंट रखना था ना जरा, वैसे रिक्वायरमेंट तो सिर्फ ये थी, ये भी एक्स्ट्रा किया और ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा है पूरा, लेकिन कुछ समझना था जी। 31 दिसंबर 12 की शाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट किया, और 31 दिसंबर 12 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग क्या आ गया? जीरो। ओके, अच्छा जी, अब एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं इस बैलेंस शीट के भी। अब जगह कम है, बस 12, 11 और 10 ही कर लेते हैं, ठीक है ना। मत बोलें यार, आप लोग बोलने लग गए अब, मतलब आप कैमरा मैन है तो कुछ भी करेंगे। कैमरा मैन आमिर के साथ, मैं को ऐसा कहता हूं। अच्छा जी,
बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, एसेट लेस एक्यूमुलेटेड इज इक्वल टू, किसी ने रोका ही नहीं मुझे, मैं लिखता गया। एक्यूमुलेटेड एप्शन का कहीं वजूद नजर आ रहा है? तो क्यों लिखने दिया मुझे, ये रोक देते, ये तो आना ही नहीं। क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा था, तो क्यों नुक्कर में घुस के बैठते हो, इधर बैठा करो जी। 60 30 0, अच्छा जी। अब एक बात तो जहन में पहली ये आएगी, ये आसान काम है, काम भी है आसान भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए बाद में करेंगे, क्योंकि आसान चीज पहले सिखा दें तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, पहले मुश्किल काम कर लिया हमने शुरू। सारा कुछ इसी तरीके से सीखेंगे, डिस्पोजल भी यहीं से सीखेंगे, एक्सचेंज भी यहीं से सीखेंगे, चेंज इन एस्टीमेट सब कुछ इसमें कर लेंगे, फिर एक दिन लगाएंगे और वही सारे काम इस मेथड में भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तो सिर्फ ये बताना था कि ये डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करना क्यों बेटर है, आप बताओ। ये देखो, यूजर के पास लेजर लूजर कोई नहीं जाते, यूजर के पास जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये बैलेंस शीट देखने वाला यूजर क्या कहेगा, 12 में आके 90 रुपए का एसेट था, 90 रुपए डेप्रिशिएट होकर 0 की बुक वैल्यू पे आ गया है, ठीक है। लेकिन जो यूजर इस बैलेंस शीट को देखेगा वो क्या कहेगा, 12 में एसेट है ही नहीं, 12 में एसेट, यहां क्या बताया जा रहा है, एसेट तो है पर फुल्ली डेप्रिशिएट होकर बुक्स में जीरो हो चुका है, यहां पे क्या बताया जा रहा है, एसेट है ही नहीं, एसेट तो फिर बेटर कौन सी प्रेजेंटेशन है। लेकिन दोनों सही हैं, दोनों सीखेंगे, ये कुछ दिन बात करेंगे भी, फिलहाल ये वाली नहीं करनी, फिलहाल इसी के ऊपर फोकस करिएगा। लेकिन कल एक जुमला बोला था कि ये बेटर है, ये इसलिए बेटर है, ठीक है। पिक्चर ले लें और फिर एहसान वाला सवाल करते हैं, सवाल तो किया होता ना आपने घर पे, तो पिक्चर ले लें आप इसकी, क्योंकि नोट तो अब दोबारा आप नहीं कर रहे होंगे। आपने घर पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाए थे या लेजर भी बनाए थे? हाँ, रिक्वायर्ड ना हो तो नहीं बनाते, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट बनाने चाहिए थे, ये भी सीखा करें। हाँ, पागल हैं हम, इसीलिए मैंने आते साथ पहले ये कहा, भाई मैं तो सवाल करना सब कुछ करवा देता हूं, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रहना है, वरना पर्चे के अंदर टाइम ज्यादा लग जाता है। भाई हाइब्रिड वालों, पिक्चर लेने तो ले लें, मैंने फिर कैमरा इधर कर लेना है, एक मिनट शायद को ले लें जी। सर आपने कल नंबर लिखवाया था और ओपनिंग एसेट्स में नेवर एवर अप्लाइड फ्रैक्शन है, तो सर इसकी क्या लॉजिक है? अभी आज दोबारा बात करते हैं, फिर देख लेते हैं, आने दो ना फॉर्मेट में उसको। डस्टर कहाँ है? वो पड़ा है डस्टर, वो पड़ा है, पता है आपको, वो डस्टर पड़ा है। हाँ, मिटा भी देना उठा के, मिटा दो बस, लेफ्टी, अच्छा नहीं, मिटा, एंजॉइंग, पौने घंटे की मेरी मेहनत पे तुमने डस्टर फेर दिया, फेरो। मैंने भी डस्टर ही बोला। ओके जी, मिस्टर एहसान वाला क्वेश्चन, जाकल्ला बेटा अपने पास ही रख लो, जिंदा रहे। ग्लास ही पड़ा, मैं कहा मोजा मार ली फिर रोजे आ गए। अच्छा, अगर मैं रोजे में भूल के किसी वक्त पी रहा हूं तो याद करा दोगे? नहीं कराना चाहिए कहते हैं, नहीं नहीं भूल के तुम्हें कैसे पिला दूं? कहते हैं रोजेदार अगर भूल के कुछ खा पी रहा हो ना तो उसको फौरन नहीं रोकना चाहिए,
अच्छा जी, मिस्टर एहसान हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन यकम जनवरी 12, या ये बात यूं भी लिखी हो सकती है, फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान एज ऑन यकम जनवरी 12, यानी ये बैलेंसेज यकम जनवरी 12 पे मौजूद हैं। तो ये यकम जनवरी 12 का एडिशन लिया होगा आपने, बता के भेजा होगा, है ना? मैंने बता के भेजा था। अच्छा चले, जो भी है, बहरहाल यकम जनवरी 12 पर जो बैलेंस ऑलरेडी आ रहा है ये एडिशन नहीं हो सकता, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो जो सवाल कल क्लास में किया था उसमें और इसमें क्या फर्क था? उसमें पहले साल में कोई ओपनिंग नहीं था, मतलब प्रोबेबली वो, क्योंकि पहला सवाल हमेशा आसान बनाया जाता है ना, वो इस तरह से था कि वो 8 और 9 दो साल थे, 9 और 10 थे। सर खुद देख लेना, खुद देख ले, हम आपके मुलाजिम लगे हैं, बताएं जी, 9 10 है, तो 9 और 10 थे। तो 9 में ही, मतलब यूं लग रहा था कि बाबर ने बिजनेस शुरू किया, पहला एसेट ही 9 में खरीदा था, तो ओपनिंग कुछ नहीं था, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि बिजनेस का जो पहला साल हो, हमेशा सवाल हमारा वहीं से शुरू हो रहा होगा। एसेट की जिंदगी का कोई सा भी साल हमें वो वहां से स्टार्ट करवा सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही था, ऑलरेडी ओपनिंग में एसेट नजर आ रहे हैं, यकम जनवरी 12 पे ओपनिंग बैलेंस है एसेट अकाउंट का 900,000 में करेंगे ना सवाल, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 350। इसके नजर आने का मतलब ये कॉस्ट पे बन रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन नजर ही ना, ये वजूद में ही तभी आता है जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा हो, याद रखना, ठीक है ना। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ना बन रहा हो तो यहां पर भी थोड़ी देर पहले जो हुआ था मिट गया, ठीक है। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ना बन रहा हो बल्कि डेप्शन की एंट्री भी एसेट अकाउंट में पड़ रही हो, तो एसेट अकाउंट किस पे नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नजर आना, मैंने कल भी बोला था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नजर आना ये निशानी है अकल वालों के लिए कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है जी, बाकी तो कुछ नहीं था, दो एडिशन है, रिक्वायरमेंट थी एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाओ 12 और 13 का। चलो यार, ये क्यों नहीं मिटाया? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 2 का हैंड आउट अभी चल रहा है। जिस दिन अगले दिन पिछला काम नहीं हो रहा था हमसे पूरा, है ना, कितने सुस्त है ना हम लोग। चले माशाल्लाह, नजर न लगाए भाई, क्या कितने सुस्त है ना हम जी। एसेट अकाउंट बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, यही तो बनाने आए हैं आज, और क्या आप मुझे बेवकूफ बनाने आए और घर वालों को? हम तो एसेट अकाउंट बनाने आए हैं। आप आउट स्टेशन वाले घर से बच्चे जो आए हैं वो घर वालों को बेवकूफ बनाने आए हैं या लेजर बनाने आए हैं यहाँ पे? हाँ, तो एसेट दोनों काम नहीं करने। एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड, भाई आपस में बोला ना करो यार, जब मैं बोर्ड की तरफ मुंह करता हूँ, प्लीज एक दो दिन ही मैं मजीद बर्दाश्त कर सकूंगा, फिर मैंने छांटी कर देनी है ऐसे बच्चों की, ठीक है ना। क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, और अक्यूमुलेटेड इस अकाउंट का नजर आना यह वाज़े दलील है कि यह कॉस्ट पे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले यकम जनवरी 12 पर एज ऑन यकम जनवरी 12 पर ये बैलेंसेस पड़े हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, इनको लिखेंगे, ठीक है। तो यकम जनवरी 12 पे एसेट अकाउंट का ओपनिंग आ रहा है, तो इधर लिखेंगे, क्यों? डेबिट, एसेट का डेबिट नेचर का बैलेंस होता है, तो ओपनिंग फिर डेबिट साइड पर आएगी। बस अकाउंटिंग सिखाते हैं ना आपने मुझे, यकम जनवरी 2012 ब्रॉड डाउन। अब आप लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है रुपीज इन 1000, मुझे पता है, और जिस दिन मैंने पकड़ लिया ना इस तरह से ना लिखा हुआ, फिर देखना अपना आचर, तो आप लोगों ने लिखते रहना। अब मैंने तो बस पहली बार लिख के बता दिया ना, अब मैंने नहीं लिखना, ठीक है। ओपनिंग, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है? 350। इधर लिख लेंगे, इधर क्यों लिखेंगे? अच्छा, यकम जनवरी, पहले मैं गलती से इधर आ गया था, उधर जाता तो बच्चे कह देते, है ना। यकम जनवरी 12 पर ओपनिंग 350।
इसके भी नंबर है। क्यों? कि देखो हमने एसेट अकाउंट का ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखा और उसके साथ बीडी लिखा, एंट्री नहीं की डबल बल्कि उसको ओपनिंग बोला, फिर अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा लेजर की, डेबिट साइड पे नहीं लिखा, तो कॉन्सेप्ट था बोलो, तो इसके भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा था रिक्वायरमेंट को पकड़ो, एड्रेस कर दो, जो चीज आती है समझ वो लिखते जाओ, उसके नंबर मिलते चले जाएंगे। इवन ओपनिंग बैलेंसेस लिखने के भी नंबर होते हैं। तो ये नंबर आपने ले लिए, सवाल शुरू नहीं हुआ और ये नंबर आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। यकम मई 2012 को 180 का एसेट, यकम अगस्त 2012 को 130 का एसेट। अब ये एडिशन है, एडिशन की एंट्री तो याद है ना, क्या एंट्री है? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 180 से यकम मई 2012, और दूसरा एडिशन कितने का है? 130 का। एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम अगस्त 2012। अब आदत बना ले, क्लोज एंड पे ही किया करेंगे लेजर्स को, ठीक है ना, इकट्ठा ही। एसेट हालांकि क्लोज हो रहा है लेकिन नहीं, आप तरतीब थोड़ी बदलते जाए ना, सारे लेजर बना के एंड पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करना है जी? डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नंबर 1 हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की होती है फॉर द ईयर एंडेड, भी लिख देता हूं जी, बिल्कुल, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ये एफ वाई ई मतलब फॉर द ईयर, फॉर ईयर एंडेड। ओके जी, सबसे पहले ऑन ओपनिंग एसेट्स, उसके बाद ऑन एडिशन, ये दो चीजें थी ना आज, इंशाल्लाह तीसरी भी आ रही है। ठीक है, चल अब जैसे ही ओपनिंग, मैंने आपको कहा था पहला हक ओपनिंग एसेट्स का हुआ करेगा डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है ना, और जैसे ही ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन का सवाल पैदा होगा उसी वक्त सबसे पहले आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग एसेट्स का मतलब वो वाले एसेट्स हैं जो पुराने चले आ रहे हैं। अब मैंने माना रिड्यूसिंग बैलेंस अभी आपको नहीं करवाया, कल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंट्रो में किया हुआ है ना, आपको स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस का फर्क तो पता होगा कि स्ट्रेट लाइन में हर साल रेट कॉस्ट पे लगता है, जौन सा मर्जी एसेट की जिंदगी का साल हो, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस में रेट बुक वैल्यू पे लगता है। ठीक है ना, अब ओपनिंग एसेट्स वो नहीं है जिनका पहला साल है, वो तो एडिशन में पड़े होते हैं, ओपनिंग एसेट्स तो वो है जो पहले से चले आ रहे हैं। तो अगर मेथड स्ट्रेट लाइन हुआ तो रेट ने कॉस्ट पे लगना है सारे एसेट्स की, और अगर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ तो रेट ने बुक वैल्यू पे लगना है। तो फिर जैसे ही ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकालने की बारी आएगी, सबसे पहला सवाल दिमागों में क्या आएगा? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। ठीक है, तो सवाल में आए, आमिर भाई आए, कहता है सवाल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब जोन सा मर्जी साल है ओपनिंग एसेट्स का, हमें उसका, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने तो उसमें कॉस्ट को पकड़ना और उस पर रेट लगा देना। ठीक है, तो अब ओपनिंग कॉस्ट सवाल से दोबारा जाके क्या ढूंढनी, सारे एसेट्स का ये अकाउंट है, बोलो सारे एसेट्स का अकाउंट है ना, इसमें ये जो ब्रॉड डाउन आ रहा है ये सारे एसेट्स का है? नहीं, ओहो ओपनिंग वालों का, और ये जो 900 है ओपनिंग, ये बुक वैल्यू है कि कॉस्ट है? क्योंकि एक्युमुलेटेड ऑप्शन अलग पड़ा हुआ है, तो ये क्या है? कॉस्ट है। तो फिर सवाल के अंदर जाकर देखने की बजाय यही लेजर जो बनाया हुआ है वहां से उठा लो। ठीक है, तो मैंने कल ब्लू मार्कर से यहां पे फॉर्मूला भी लिखा था, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स इनटू रेट, बिल्कुल माइनस करेंगे जहां जहां यूजफुल लाइफ, नहीं रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ का क्या कहने लगे थे जी? जाहिर है बेटा, वो तो तब होता है, देखें दो चीजें हैं, मैंने कहा था आप 100 को बटा 10 कर दें या 100 को इंटू 10% कर दें, ये दोनों एक ही बात है, ये तो पूरे साल की डिडक्शन होती है। अब अगर ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल हो तो कोई फ्रैक्शन ना लगाना, और अगर साल में
कम इस्तेमाल हुआ है तो फिर यहां पर फ्रैक्शन लगेगा। इसीलिए वो भाई जो बात कर रहे थे उस तरफ भी हम आ रहे हैं, ठीक है, कि मैंने आपको कहा था यहां पे हम रखते ही सिर्फ वो एसिड्स हैं जो सारा साल हमारे पास रहे, जो ओपनिंग डेट पे हमारे पास थे और क्लोजिंग पे भी हैं। देखो डिस्पोजल तो मैंने अभी अगले सवाल में करवाना है, उसमें देखोगे आपके फर्क आएगा यहां पे। अब जो ओपनिंग एसिड्स हैं इनका मतलब क्या है, वो इस साल वाला एडिशन नहीं है, पिछले साल से चले आ रहे हैं, और डिस्पोजल अभी तक सवाल में आया नहीं है, इसका मतलब वो पिछले साल से चले आ रहे थे, इस साल के स्टार्ट में भी मौजूद थे, इस साल के एंड पे भी मौजूद है। तो जब उनको यहां पर डेप्रिशिएट करना है तो क्या फ्रैक्शन लगाने की जरूरत है, ठीक है, तो यहां पर हमने कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर वो एसेट्स पड़े होते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहे, ठीक है। जो मैंने यहां पर यूं लिखा था ना, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर, उसकी मैं आज तशरीह कर देता हूं। चले इसका मतलब क्या था, ये तो थोड़ा शॉर्टकट बात लिखी थी ना, इसका मतलब ये था कि यहां हम उर्दू में पढ़ेंगे अकाउंटिंग ना, यहां हम सिर्फ वो एसेट्स डेप्रिशिएट करते हैं या लेते हैं, ठीक है, जो सारा साल हमारे पास रहे, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, जो पहले से चले आ रहे हैं, पिछले साल से चले आ रहे हैं, ठीक है, और इस साल में बिके भी नहीं है, तो साल के आखिरी दिन भी पड़े हैं। तो जब सारा साल हमारे पास रहने हैं तो फिर क्या यहां पे फ्रैक्शन लगेगा कभी, तो ये मैंने सिर्फ जुमला लिखा था, ठीक है भाई। ओ मेरे भाई क्लियर है, फिर भी एडिशन में लिख देना और पूरा 12/12 कर देना, यानी कुछ ना फ्रैक्शन लगाना, पर मेरा मशवरा यही है एडिशन को एडिशन में ही रखना, ताकि ये चीजें ना अलग अलग रहें, वैसे कंफ्यूज ना करो ना फिर, ठीक है। ओपनिंग में सिर्फ उन्हीं एसेट्स को लेना जो पहले से चले आ रहे हैं, ओपनिंग तो वही है, पहले दिन का एडिशन भी ओपनिंग नहीं है, वो एडिशन है, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं है, यकम जनवरी 12 ब्रॉड डाउन कोई एंट्री नहीं है, यकम जनवरी 12 पर ही एक एसेट खरीद ले तो उसकी डबल एंट्री होगी, एसेट डेबिट कैश, तो पहले दिन का एडिशन भी ओपनिंग तो नहीं हो सकता, वो तो एडिशन है, फर्क है ना। तो इसलिए एडिशन को हमेशा एडिशन में ही रखना, अब चाहे पहले दिन आ गया फ्रैक्शन नहीं लगेगा ना, तो इधर भी ना लगे, ये एक्सेप्शनल केस है, कभी कभी आता है, इसको यहां पर डाल के खा वो उसको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो हर सवाल में होना है वो क्या है, ओपनिंग पड़े होते हैं, उनको आपने सिर्फ यहां पर सिर्फ वो एसेट्स लेने जो हमेशा से, हमेशा कह रहा हूं, पहले से चले आ रहे हैं और इस साल के अंदर मौजूद रहे, ठीक है। अभी इस साल में बिकने वाला काम तो अगले सवाल में सीख रहे हैं ना, इसलिए उसको छोड़ने, ठीक है, चलें आगे। ओके, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है जी, 900 रेट ऑफ डेप। अच्छा अच्छा, इधर देखो एक और चीज भी, कल मैंने ये बात नहीं की थी, असल में ना अब जाते जाते चीजें अक्सर थोड़ी सी तेज होती हैं, कभी इससे परेशानी होना, ये आज बता रहा हूं, जो चीज कल की थी एंड पे क्या उसकी जान छोड़ दी हमने, नहीं, लेकिन वो करवाना इसलिए जरूरी होता है कि थोड़ा तेज करवा के कुछ सवाल आपको दे दिए, अब आप जाएंगे बिल्कुल प्लेट में रखा हुआ नहीं मिलेगा, थोड़ी एफर्ट करेंगे, ये जो ऊपर खाना खाली हो जाता है इस्तेमाल होगा ना, ठीक है, सही है, तो वो इस्तेमाल होने से अल्लाह बढ़ाते हैं, ये कम नहीं होता इस्तेमाल होने से, ठीक है ना, तो वो थोड़ा इस्तेमाल होके आएगा अगले दिन, फिर हम उस काम को तफसील से करेंगे। मैंने आज डिस्पोजल शुरू करना है, क्या कल छोड़ देंगे, जो करवा के भेजूंगा कल वो और ज्यादा स्ट्रेस देके करेंगे, फिर छोटी छोटी चीजें भी हम सीख रहे होते हैं, इसलिए किसी भी दिन जाते हुए ये परेशानी नहीं लेनी, लो जी आज तो सर ने छोटी छोटी कराता है, वो अगले दिन आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी, पता लग जाएगा कि अगले दिन जो एंड पे होता है वो ज्यादा स्ट्रेस के साथ हम अगले दिन कर रहे होते हैं, लेकिन उस दिन करवा के भेजना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आना होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर कल ये बात नहीं होती, रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन होती तो मेथड स्ट्रेट लाइन है, बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है ना, यही सारी चीजें है ना, तो अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो यहां पे भी माइनस करते फिर रेट लगाते, यहां पे भी माइनस करते, चलो जीरो है, जीरो है तो लिखो माइनस जीरो इंटू रेट, माइनस जीरो इंटू रेट, माइनस जीरो इंटू रेट, और आगे फ्रैक्शन यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कल ये भी कहा था कि अगर आपके पास रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है तो टाइम बचा लिया करो,
माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। लेकिन ये याद रखना, टेस्ट वगैरह के अंदर सवाल आएगा ना, जब तब तक ये बात आप भूल चुके होगे। रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं कॉस में से, मतलब पहले हफ्ते में टेस्ट नहीं ना होता, नेक्स्ट वीक से शुरू होते हैं। तो जब सवाल आएगा तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी अगर, और मेथड स्ट्रेट लाइन होगा अगर, तो आप भूल जाएंगे, तो वो भूलना नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला वही है, कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो अगर रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन हो तो जहां जहां डेप्रिसिएशन करनी है, चाहे वो ओपनिंग में है, चाहे एडिशन पे है, चाहे अभी थोड़ी देर में डिस्पोजल की करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो फॉर्मूला वही है जो परसों पढ़ा था, कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ या इनटू रेट। ठीक है, चलो तो जी, फिलहाल तो मैंने कहा जीरो है तो रहने दो। ये सारे एसेट्स की कॉस्ट है, रेट कितना है? रेट 20% है। ठीक है, तो 20% ये आ गया 180। उसके बाद एडिशन पर भी 20% लगेगा, हाँ हाँ, लेकिन ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं। पहला एसेट 180 वाला आया यकम मई को, तो 8/12, और दूसरा यकम अगस्त को है तो 5/12। टोटल 214.83। ये क्या है जी 214.83? ये बुक, ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.83 डेप्रिसिएशन वर्किंग वन। ठीक है, 31 दिसंबर 2012। ले जी, सवाल खत्म, साल खत्म। रिक्वायरमेंट में एक साल ऐसे मुसीबत अगली भी डाल दी थी मैंने। वैसे जरूरत तो कोई नहीं, आसान है, लेकिन चले क्योंकि हम सीखने के जमाने में चल रहे हैं तो वो भी जरूरी है, कर देता हूं जी। कैरी डाउन 1210 और कैरी डाउन 564.83। ठीक है, कितने बच्चों का यहां तक बिल्कुल सही था, कितनों से गलती हुई थी? समझ आ गई है गलती की, पकड़ में आ गई है, प्रॉब्लम तो नहीं ना अब? अच्छा, फिर हाथ खड़े करें गलती वाले, हम भी सीखे जरा, क्या गलती हुई थी आपसे? हाथ खड़े रखे, मैंने कहा नीचे कर ले, जिनकी गलती हुई थी भाई, मैंने कहा नीचे कर ले हाथ, कोई बात नहीं, एक हाथ से ऐसे करके लिख सकते हो जी, है ओपनिंग लिखना भूल गए थे, ऑन एडिशन में लिख दिया था, सही है। समझ नहीं आई थी, अभी भी नहीं आई? अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट ईयर आया, रिक्वायरमेंट में है, तो क्या करेंगे? क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएंगे, 1210 564 पॉइंट। कोई एडिशन है जी? कोई डिस्पोजल है? तो बस फिर कुछ भी नहीं करना, नहीं यार कुछ तो करना है, डेप्रिशिएट तो करना है, ओपनिंग एसेट्स नहीं आ रहे पिछले साल के क्लोजिंग जो थे, उनको डेप्रिशिएट तो करना है ना, तो चलो डेप्रिशिएट कर लेते हैं इनको, फिर यहां पे एंट्री भी कर लेंगे इनकी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग में आए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे ऊपर, पीक फ्रीन सुपर, पीक फ्रीन सुपर, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल बस लिख दिया एक बार, दोबारा नहीं लिखूंगा, सवाल में से जाके ढूंढते हैं। अब देखो, सवाल में से जाके नहीं ढूंढते हैं, ठीक है, सवाल में जाएंगे, पता नहीं 2 साल पहले ओपनिंग लिखा होगा, फिर कोई एडिशन किसी साल में, किस साल में, कोई जरूरत नहीं है, जब लेजर बना लिया तो मेहनत हुई पड़ी है। अब यकम जनवरी 13 वाले साल का ओपनिंग है, ब्रॉड डाउन 1210 पड़ा है, यहां से उठा लो, ठीक है, तो 1210 इंटू फ्रैक्शन लगाएं, यहां कभी भी नहीं लगाना, यहां पे वो एसेट हमने छोड़ने ही नहीं है जो पूरा साल
छोड़ना नहीं, यूं कहना चाहिए ज्यादा जनरल बात, यहां पर उस एसेट को आने नहीं देना जो पूरा साल ना रहे। अगर इस साल में खरीदा है यानी ओपनिंग में नहीं था तो वो एडिशन में आ रहा होगा, और अगर इस साल में नहीं पहले से खरीदा था और अभी थोड़ी देर में अगला सवाल करना है जब बिक जाएगा तो हम उसको यहां से फिर भी निकाल देंगे। ओपनिंग में हम सिर्फ उन एसेट्स को छोड़ेंगे जो सारा साल हमारे पास रहेगा। ठीक है, डिस्पोजल की तैयारी भी साथ साथ चल रही है ना जी। 242 कोई एडिशन है? अच्छा, लिखने की भी जरूरत नहीं थी वैसे तो, लेकिन चले जरा फॉर्मेट पूरा हो जाए हमारा, नया नया है ना अभी काम जी। एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ये तो मैं भी बता दूंगा 1210 है। आप इधर वाली फिगर बताएं 86.83। ठीक है जी, कितने बच्चे अगला साल करना भूल गए थे, अब वो भी हाथ खड़ा करें। सही है, रिक्वायरमेंट को पढ़ना ध्यान से है। ओके, लेना जी पिक्चर हाइब्रिड वालों अगर लेनी है तो। वैसे सवाल ये हुआ हुआ है आप लोगों ने तो जब बस जस्ट चेक ही करना था। कोई एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया मैंने, कोई एंट्री मैंने लिखी नहीं है, बस बोली है। एक्सट्रैक्ट मुश्किल नहीं है, अगर एक्सट्रैक्ट बना। जी जी बेटा, आवाज मिस हो गई है बीच में। एडिशन हुआ इस साल में? एडिशन है नहीं, 13 वाले साल में कोई एडिशन है या नहीं करना? जी बेटा, तो मैं वहीं आके आपके सवाल का जवाब देता हूं एक मिनट के लिए। जो मुझे समझ आई है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पिछले साल एडिशन हुए थे इनको अगले साल डेप्रिशिएट नहीं करना, तो जो पिछले साल एडिशन हुए थे वो इस क्लोजिंग में आके इस ओपनिंग में आ गए हैं ना, तो जब ओपनिंग में आए हैं तो फिर ये सारे भी उसके अंदर पड़े हैं जो पिछले साल में आए हैं। फिर भी मैं आ रहा हूं, आप तब तक जल्दी से सोल्यूशन चेक कर लें, जो अगले होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, जल्दी करें, आवाज ना आए। क्या मसला है भाई माइक में? वो तो मुझे भी पता है ये कट रही है आवाज। आपने कौन सी नई बात बताई है, चेक करवाएं, आप बैठ गए आराम से। जी बेटा, जवाब सही दे लिया मैंने। हाँ, जो पिछले साल एडिशन हुआ ना वो क्लोजिंग 1210 में आ चुका है, तो वो फिर ओपनिंग 1210 में भी पड़ा है, तो उसी 1210 को तो हमने जाके देखे डेप्रिशिएट किया ओपनिंग एसेट्स में, तो उसमें वो भी हो गए। इनका एसी बढ़ाओ यार, एक वो एसी भी चलाओ, अब सुबह होगा। वालेकुम सलाम, मेरी क्लास चल रही है। क्या फायदा तुम्हारे माइक का साकिब, उनका एसी चलवाओ यार उस क्लास में। ओके जी, क्वेश्चन वही था जो मैंने आंसर किया। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था ऑनलाइन वालों के लिए और आप लोगों के लिए भी, कि ये जो एडिशन हुए हैं इनको इस साल में डेप्रिशिएट किया हमने, इस साल में क्यों नहीं किया? उसका जवाब ये है कि ये इधर एडिशन होके इसमें शामिल हो गए थे, अब ओपनिंग में पड़े हैं, तो ये ओपनिंग जब उठा के यहां पर डेप्रिशिएट किया है तो इसके अंदर ये दोनों भी शामिल। ठीक है, ओके जी। आमिर भाई ले आए इधर, 19, 14, 15 और 16, इसका सोल्यूशन आपके पास जो हैंडआउट आए हैं उनके अंदर मौजूद है। ये लेक्चर 3 में लेक्चर 2 के होमवर्क का सोल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, यहां पे चेक कर लेना, बैठ जाइएगा। हमने मिस्टर कासिम और मिस्टर एहसान वाला सवाल कर लिया। Yes, अब हेडिंग बनाएं, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट अंडर रिड्यूसिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये बोल के क्या मुंह से लिख रहे हो? यस सर वाले निकल जाओ क्लास से, मैं मुंह से लिखने वाले बच्चों को नहीं क्लास में उठाता। खामोशी से काम करें, बोलना शुरू हो जाते हैं। और भाई हाइब्रिड में ना जो बोले मुझे बस बता दो, आगे मैं क्लास से निकालूंगा उनको, कुछ भी दे लो, अपना नाम लिख लो,
मेरा भी लिख लो, लिखो डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। मत बोलो ना यार, मूड खराब करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे मूड में क्यों पढ़ा रहा है। साजिशी अनासर। ओके जी बच्चों, कोई भी एसेट आपके पास से, आपके पास आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल के बारे में आप कौन कौन सी बातें बता सकते हैं अगर आप उसको बेच आए तो? ये मोबाइल वाली बातें, सर उसका मेमोरी कार्ड इतना था, सर उसमें मेरी सारी तस्वीरें थी, ये वाली जो मैं बोर्ड की तस्वीरें लेता था, हाँ ये वाली बातें नहीं, मैं अकाउंटिंग के पॉइंट से पूछ रहा हूँ। आप उस मोबाइल, भाई मैं ना क्लास से निकालूंगा इस जोड़ी को भी उस जोड़ी को भी, ठीक है प्लीज। मोबाइल आपने जो बेचा जाकर, उसके बारे में आप कौन कौन सी बातें बता सकते हैं? कितने का बिका है, कितने का खरीदा था, कब खरीदा था, कितने का बेचा, कब बेचा, ये चार बातें पता हो तो अकाउंटिंग हो जाती है सारी डिस्पोजल की। अकाउंटिंग ये चार चीजें पता हो तो हो जाती है। कौन कौन सी? ये मोबाइल हमने कब खरीदा था, डेट ऑफ परचेज को कहते हैं, फिर कितने का खरीदा था, कॉस्ट, कब बेचा, डेट ऑफ सेल, कितने का बेचा, सेल प्रोसीड। अच्छा कितने का बेचा, रेजिडुअल वैल्यू, ये पहले दिन ही बता दिया था, रेजिडुअल वैल्यू तो वो अंदाजा था। मैं नहीं बोलन दो, मैं भी करूं खेडन आया, इस जोड़ी को भी मैं निकालूंगा, ब्लैक शर्ट आप लोगों को भी, ये तीन जोड़ियां नजर आ गई आप मुझे, अगर बोलेंगी आहिस्ता से भी तो मैं निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है ओके। तो ये चार चीजें हमें बताओ, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट, डेट ऑफ सेल, सेल प्रोसीड, ठीक है। तो हम डिस्पोजल की एंट्री कर सकते हैं, बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है। डिस्पोजल तो ना पढ़ा हुआ आपने, अच्छा ये अब नई चीज है। चले सवाल देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखते हैं फर्क क्या है। सबसे पहले तो फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 2018, ये तो वही पुराना, ठीक है। फिर डिटेल ऑफ एडिशन, ये भी पुराना, नई चीज क्या आई, तो फर्क जान के जीना है आपने, ठीक है ना। हाँ फर्क जान के जियो, ठीक है। असल में फॉर्मेट सारे वही रखे जाते हैं। साकिब नहीं है, चले गए साकिब, साकिब वो मिटा देंगे। अच्छा जी सुने, इधर फॉर्मेट एसेट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग बिल्कुल उसी तरह से होगी, बस उसमें दो तीन चीजें, भाई वो मिटा लेगा यार, मैं अगर खुद आपका उधर लेके जाना था तो मैं खुद ना मिटा लेता। मैं चाह रहा हूं आप लोगों की तवज्जो इस इधर रहे, आप उधर तमाशा देख रहे हैं, मिटा रहा है ना कैमरा, आप लोग हाइब्रिड वाले देखना है, मिटा रहा है देखना है। अच्छा तो सारा कुछ सेम रखेंगे, सिर्फ डिस्पोजल की वजह से जो दो तीन जगहों पे फर्क आना है, उस फर्क को मैं लाल रंग से लिख दूंगा, आपको पता लग जाएगा, अच्छा यार बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं काम, रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बनाओ। अच्छा डिस्पोजल के बारे में क्या क्या बताया हुआ, डेट ऑफ परचेज, हम खड़े हैं 18 वाले साल में, खरीदा था हमने 15 में और बेचा है हमने 18 में, खरीदा था 40 का, 12,000 मिला है। ये 12,000 जो है ये आज इस्तेमाल नहीं होगा, ये इंशाल्लाह कल होगा, डिस्पोजल पूरा कल जाके करूंगा, दो हिस्सों में करवाता हूं ताकि हजम हो जाए, ठीक है ना। चार स्टेप्स डिस्पोजल के हैं, दो स्टेप्स हम कर लेंगे जो मुश्किल वाले हैं, फिर तीसरा और चौथा बहुत आसान है लेकिन ओवरडोज ना हो इसलिए मैं पहले दिन बच्चों को नहीं बताया करता, ठीक है ना। अब इसीलिए रिक्वायरमेंट में तीन अकाउंट्स मांगे हैं, हम अपने दो पुराने वाले अकाउंट्स बनाएंगे, तीसरा जो अकाउंट नया बनना है उसकी जगह हम खाली छोड़ देंगे, वो इंशाल्लाह कल बनाएंगे। रिक्वायरमेंट पढ़े, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। अब ये डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है ये कल देखेंगे, ठीक है, आज इसको नहीं बनाना हमने, बाकी दोनों अकाउंट्स बना लेंगे। और आपने फिर जहां जहां डिस्पोजल हो सवाल के अंदर, चाहे वो अभी वाला सवाल है या होमवर्क वाला, उसमें डिस्पोजल अकाउंट की जगह छोड़नी है, तीन चार लाइनें उसके लिए छोड़नी है, तीन चार लाइनें और भी छोड़नी है, यानी टोटल 7-8 लाइनें छोड़नी है, क्योंकि कल मैं आपको डिस्पोजल का अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा और होपफुली जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल भी सिखाऊंगा, ना भी सिखाऊं परसों भी सिखाऊं तो हर सवाल जहां डिस्पोजल है वहां जर्नल एंट्री की जगह तो छोड़नी है ना। तो इसलिए जितने सवाल आज आप करेंगे, ठीक है,
उसमें डिस्पोजल होगा जब, तो डिस्पोजल वाले सवाल में 7-8 लाइनें खाली छोड़ दीजिएगा, कल पूरी करेंगे वो, ठीक है। अभी पुराना सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर, मतलब पुराना काम तो सारा कर लेना, ठीक है, और डिस्पोजल को हम सीखते भी हैं आज, ठीक है जी। अब आ गए जी हम अपने हैंड आउट पे, लेक्चर 3 वाले पे, ओके जी। एसेट अकाउंट बनाना है और अक्यूमुलेटेड, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, एसेट अकाउंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो ओके, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखते ही आपको क्या पता चल गया कि एसेट अकाउंट बना हुआ है कॉस्ट एट पे, नहीं एट कॉस्ट, अच्छा जी ठीक है जी। चले एसेट अकाउंट, सबसे पहले रिक्वायरमेंट एड्रेस की, अब ओपनिंग गिवन है, मुफ्त के नंबर है ले लेते हैं, रुपीज 1000 आपने लिख लेना है इंशाल्लाह, मुझे पता है आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते है ना जी, जिसने छोड़ा हुआ और पकड़ा गया वो, हाँ उसको 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 उस दिन क्लास में खड़ा रखेंगे पीछे एंड पे, ठीक है जी। 300 और 120, यकम जनवरी 18 ब्रॉड डाउन एसेट अकाउंट 300, यकम जनवरी 18 ब्रॉड डाउन एक्यूमुलेशन का, नेक्स्ट जो रोज वाला काम है कल से कर रहे हैं वो तो फटाफट नंबर ले, जिसको डिस्पोजल नहीं भी आता ये नंबर तो उसको भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। डिटेल ऑफ एडिशंस, यकम मार्च और यकम जून को 30 और 50 दोनों एंट्रीज, 30 से पहला एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, यकम मार्च, फिर 50 का है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट जून 18, हेलमेट सही कर लो जी। नेक्स्ट एडिशन हो गया खत्म, अच्छा अब अगर डिस्पोजल ना होता तो सिंपली क्या करते, यहां पर आते वर्किंग स्टार्ट कर देते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करते, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, अच्छा और यहां पे हम लिखते ऑन ओपनिंग एसेट्स, फिर यहां पर लिखते हम ऑन एडिशंस, और एडिशंस में अच्छा ओपनिंग में लेते 300 रेट लगाते स्ट्रेट लाइन होता तो कॉस्ट पे, ठीक है फिर 30 और 50 को लेते, तो ये पुराना काम तो ऐसे हो सकता है, और इसमें भी एडिशन के साथ ऐसा ही होगा थोड़ी देर में, ठीक है ना, और सही है yes, हाँ लेकिन चूंकि अब डिस्पोजल भी आ गया, ठीक है तो डिस्पोजल की मौजूदगी में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैं निकालना चाहूंगा, ठीक है। कल से जो तरतीब होगी वो ये होगी, यहां पे एक वर्किंग डिस्पोजल आएगा ना, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग किया करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग किया करेंगे, क्योंकि अगले मेथड्स में जाकर ये वर्किंग इसमें हेल्प किया करेगी, लेकिन फिलहाल चूंकि आज कॉन्सेप्ट देना है इसलिए मैं डिस्पोजल को एक बार उधर सारे अकाउंट को छोड़ के पहले सिर्फ यहां पर डिस्पोजल वाली सिचुएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलवाना चाह रहा हूं आपसे इस साल का, ठीक है तो करें शुरू। अब सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए कि ये जो 40 रुपए वाला एसेट बिका है, ये एसेट इस 30 में पड़ा है या 50 में, इन दोनों में नहीं है बल्कि ओपनिंग में पड़ा है, पड़ा है अच्छा। अब क्या ये एसेट हमारा इस साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, हमने इसको 30 जून 18 पे बेच दिया, अब इसका मतलब ये एसेट तो पूरा साल इस्तेमाल ही हमने नहीं किया। जैसे एसेट इस साल नया खरीदते थे और पूरा साल इस्तेमाल नहीं करते थे तो फ्रैक्शन लगाते थे,
ऐसे ही अगर एसेट इस साल में बिक गया है, पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फ्रैक्शन लगेगा। अब अगर फ्रैक्शन लगाना है तो उसको यहां छोड़ सकते हैं। इसलिए वो जुमला कल लिखवाया था, हेल्प करनी है उसने आगे काम, आगे जो हमने चलना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले से एक बात, हमने एक उसूल तो हमने पहले से सेट किया हुआ है कि ओपनिंग में सिर्फ उन एसेट्स को लेंगे जो सारा साल हमारे पास रहे, साल के पहले दिन भी थे, साल के आखिरी दिन भी हो। अब ये 40 रुपए वाला एसेट आमिर भाई हमने खरीदा तो 15 में था, इसका मतलब 15 में ही आ गया था, फिर 16 का क्लोजिंग बना, 17 का, 18 का ओपनिंग बन चुका हुआ है। यानी ये ओपनिंग डेट पे तो हमारे पास है, लेकिन 30 जून पे ये बिक जाएगा तो क्लोजिंग डेट पे हमारे पास रहेगा। तो क्या वो फिर ये वाला एसेट क्लासिफाई करता है यहां पे रहने के लिए? अभी अभी अंग्रेजी के नीचे उर्दू लिखी थी कि यहां सिर्फ हम उन एसेट्स को लेंगे जो सारा साल हमारे साथ रहे। तो ये डिस्पोज होने वाला एसेट सारा साल हमारे साथ नहीं रहना ना, तो इसको यहां पे, यहां से निकाल दो। क्या करना है ये थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन एक नई चीज जो यहां पर ऐड हुई, अगर डिस्पोजल हमारा सवाल में हुआ करेगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स किया करेंगे, ठीक है जी। ये नई चीज मैंने रेड से लिख के डिब्बा भी लगा दिया, ये सिर्फ चेंज आया है फिलहाल तक, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। अब कल मैंने फॉर्मूला लिखा था यहां पर, मैंने क्या लिखा था? ओपनिंग कॉस्ट। अच्छा, ओपनिंग कॉस्ट तो कॉस्ट होती है, ओपनिंग जो सी मर्जी डेट हो, लेकिन ये ओपनिंग की आदत डाल रहे हैं अगले मेथड के लिए, तो कॉस्ट ऑफ ऑल भी लिख सकते हैं, लेकिन ओपनिंग ही लिख लिया करें, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ ऑल में से हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को माइनस करके बाकी एसेट्स को यहां डेप्रिशिएट करेंगे। क्या मतलब, क्या मतलब? ये 300 के अंदर 40 भी पड़ा है, ये सारे एसेट्स की कॉस्ट है ओपनिंग की, हम इसमें से 40 को निकाल देंगे, बाकी बच गए 260। ये 260 तो साल के पहले दिन भी थे और साल के, जब बिके नहीं है तो साल के आखिरी दिन भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कॉस्ट ऑफ ऑल में से, कॉस्ट ऑफ ऑल में से माइनस कर दिया करूंगा। मैं ओपनिंग लिख रहा हूं वैसे आगे के लिए, ठीक है ना, दूसरे मेथड की। तो ओपनिंग, क्योंकि ये उठाना भी ये वाला होता है ना, तो ये ओपनिंग ही होता है, तो इसलिए ओपनिंग लिखने की आदत डाल दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ ऑल में से नहीं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर दूंगा, जो बाकी एसेट्स बचेंगे उन पे मैं लगा दूंगा रेट, ठीक है। ये बात समझ आती है? तो चलो ये स्टेप वन तो करें अब, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी थी, इसमें से माइनस कर दिया हमने, ये डिस्पोजल की कॉस्ट है। अब बाकी कितने एसेट्स बच गए, ये 260 के एसेट्स फ्रैक्शन वाले हैं, इन पे तो फ्रैक्शन नहीं लगना ना, ठीक है। तो इनटू, सवाल देख के आओ, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तभी तो कॉस्ट को पकड़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो कॉस्ट इनटू रेट कर दिया हमने, ठीक है। तो सर बिजली पे अब ये बंद ही नहीं होता, हमें ब्रेक ही नहीं मिलती, हाँ ना, इसीलिए तो नहीं किया हुआ हमने ये सेटिंग सारा जी। 26, ठीक है जी। अब अगली बात, ये 40 कहेगा मुझे क्यों निकाला, ठीक है, कहेगा भाई 6 महीने तो मैं भी इस्तेमाल हुआ ही हूं, 6 महीने तो मैं भी इस्तेमाल, तो मेरा क्या करना है। हमने कहा यार तुम यहां से निकल आओ, क्योंकि यहां तुम पड़े रहे ना, लंदन चले जाओ, यहां तुम पड़े रहोगे तो यहां पे पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाओगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि तुम पूरा साल डेप्रिशिएट, क्योंकि तुम पूरा साल हमारे पास रहे ही नहीं, तो इसको हम ले आएंगे यहां अलग, ठीक है। यहां पे आके हम एक अलग सेक्शन इसका बनाएंगे, उसकी हेडिंग बनाएंगे ऑन डिस्पोजल्स, ठीक है बच्चों। और ये 40 को यहां लाएंगे, अगर रेजल वैल्यू होती तो माइनस करते, लेकिन है नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पर ही रेट लगाएंगे। और इस साल कितना इस्तेमाल हुआ, 30 जून तक रहा ना, तो 6/12 2 रुपीज डेप्रिशिएट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये यहां से ना निकालते, यहां ना लाते, तो इस साल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी यहां पे निकलेगा ना टोटल, तो इस साल के अंदर ये पूरा 4 रुपए डेप्रिशिएट हो जाता, क्योंकि पूरे 40 पे कोई फ्रैक्शन लगना नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, अलग कर लिया, ठीक है जी।
तो ये डिफरेंस आया अभी तक, ठीक है। अगर सवाल में डिस्पोजल आ जाएगा तो पुराना एसेट ओपनिंग में पड़ा होता है, जो इसीलिए मैंने कहा कि पहले दिन खरीदने वाले को भी ओपनिंग ना बनाओ, ठीक है ना, ताकि वो कंफ्यूजन ना बने, ठीक है ना। तो जो ओपनिंग का है, पुराना खरीदा हुआ एसेट ओपनिंग में पड़ा है, इस साल बिक गया, अगर इस साल बिक गया तो उसको यहां पर नहीं छोड़ना, यहां पड़ा रहा तो पूरा साल इस्तेमाल हो जाएगा। जब तो दुराने साल बिका है तो उसने जितना अरसा इस्तेमाल हुआ उतना ही डेप्रिशिएट होना है। डेप्रिसिएशन सादा अल्फाज में अगर भी बात करूं तो स्टार्ट करते हैं हम जिस दिन एसेट को खरीद ले और एंड कर देते हैं हम जिस दिन बेच दें। टेक्निकल जुमला भी बताऊंगा आगे चलकर। फिलहाल सादा अल्फाज में डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं हम जब एसेट को खरीद के इस्तेमाल करने लग जाए और रोक देते हैं जब हम एसेट को बेच दें। हमारे से तो क्या, अब एक एसेट 30 जून 2018 को अगर हमने बेच दिया है, हमारा साल तो 31 दिसंबर 2018 तक था, तो इस साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ, 6 महीने। तो क्या यहां पड़ा रहने दे, यहां पड़ा रहा तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो यहां से इसको निकाला, निकाल के अलग लाए और अलग ला के जितने महीने इस्तेमाल किया सिर्फ उतने महीने इसको डेप्रिशिएट कर दे, ठीक है। तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, एक तो ये सीखा और फिर इसको अलग ला के डेप्रिशिएट कर लिया, ओके। बाकी सेम है जी बेटा। सवाल के अंदर ना रेजिडुअल वैल्यू हर एसेट की गिवन होती है, या यूं कह देता है कि एसेट की रेजिडुअल वैल्यू उसकी कॉस्ट का 10% होगी। इन एनी केस हर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू लगी होती है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग होगी। तो वो जहां पे इनकी माइनस इनकी जैसे निकालते हुए इनकी रेजिडुअल वैल्यू को इनमें से माइनस करोगे, एडिशन वालों की उनमें से माइनस करोगे, डिस्पोजल वालों की अगर होगी तो, टेस्ट में हो सकता है हो, ठीक है। अच्छा जी, बाकी तो मैंने कहा था सेम ही है क्वेश्चन, क्या मतलब ये दोनों एडिशन है, ये वैसे के वैसे ही है, ये उसी तरह से ही आएंगे जी। पहला इंटू दूसरा इंटू, और ये भी पूरा साल इस्तेमाल, पहले वाला एसेट आया यकम मार्च को तो 10/12, दूसरा 9 ही कर लो जी, 1000 है, क्या हो गया, राउंड हो गया, राउंडिंग का मतलब ही यही होता है, 3 भी कर सकता था मैं जी, 33.4। व्हाट इज दिस एंट्री, बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1 में हमने ये एक्सपेंस निकाला है 33.4, ठीक है, ओके। लेकिन अभी क्लोज ना करना, आज डिस्पोजल भी है, अब वो सीखने लगे हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन में क्या चेंज आएगा, ये आज चूंकि सीखना था, पहला दिन था, इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन पहले की है। वैसे नॉर्मली हम ये वर्किंग 2 हमारी बन जाएगी जब डिस्पोजल आया करेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की एक वर्किंग अभी सिखाने लगा हूं, वो हम पहले किया करेंगे। इस मेथड में तो नहीं, अगले मेथड में आगे से वो मतलब चलेगी ये रूटीन की, ये वाली वर्किंग इधर हेल्प किया करेगी, तो पक्की आदत ही ऐसी बना लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात इस तरह समझ आती है, इसलिए पहले ये सिखाया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये हमारा जो एसेट है ये आज तक कितना डेप्रिशिएट हो गया, चेक कर लेते हैं, ये 2015 है, 2016, 17 और ये हमने खरीदा कब था, यहां कहीं यकम अक्टूबर 15, और हमने बेच कब दिया है, 30 जून 2018 पे। इसकी जिंदगी हमारे पास यहां से लेकर यहां तक रही, तो अब हर साल ये डेप्रिशिएट होता रहा होगा जब से आया, जैसे कि इस साल में ये 40 × 10% × 3/12, जगह ही बची 40 × 10% × 3/12, यानी 1 रुपया डेप्रिशिएट हुआ इस साल में, ठीक है। उसके बाद अगला साल आया
अगले साल में तो कोई फ्रैक्शन नहीं ना लगना, पूरा साल इस्तेमाल हुआ, 4 रुपीज डेप्रीशिएट हो गया, फिर इस साल में भी 4 रुपीज डेप्रीशिएट हो गया, और इस साल में 40 × 10% × 6/12 ये भी देखा हमने कितना। तो ये एसेट आज तक इन टोटल कितना डेप्रीशिएट हो चुका है, 11 रुपए, ठीक है ना। अब मेरा सवाल आपसे क्या है, ये 11 रुपए इसकी डेप्रीसिएशन इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है? हो चुकी है ना। ये सारी जिंदगी में डेप्रीशिएट होता रहा मुख्तलिफ औकात में, और जब जब होता रहा इसकी डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट होती रही। मेरा अगला सवाल, ये 11 के 11 इस 120 में पड़े हैं? नो, यस यस, नो नो, यस यस, नो नो सर, यस नो, अब सबको नो हो गया। अब कोई यस वाला है? अभी भी कुछ है लेकिन चुप कर गए, डर गए हैं जी। सुने, ये एसेट की 1 × 4 × 4 9 रुपए की डेप्रीसिएशन यहां पड़ी है और 2 रुपए की डेप्रीसिएशन, टोटल 11 क्रेडिट हुआ जरूर है क्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट के अंदर, लेकिन कुछ यकम जनवरी 18 तक हो चुका था और इस साल में मजीद 2 करके हमने इसकी सारी जिंदगी जितनी हमारे पास गुजरी है इसकी डेप्रिसिएशन यहां क्रेडिट कर दी। ये समझ आ गई बात? चले, ये ऐसे ही सवाल था, यहां तक को मसला। अच्छा चले, अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं डिस्पोजल, 5 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, कल इंशाल्लाह फिर यहीं से शुरू करेंगे काम, ठीक है ना, इस सवाल में नहीं अगले में। अब डिस्पोजल के लिए 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, यानी 4 स्टेप्स के अंदर डिस्पोजल को रिकॉर्ड किया करेंगे, जिसमें से 2 स्टेप्स आज लिखवाने हैं, 2 कल, ठीक है। तो हेडिंग बनाए, स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, 4 स्टेप्स लिखने हैं हमें, स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग, 2 लिखेंगे, 2 की जगह छोड़ देंगे, मुश्किल वाले अभी करेंगे, कल तो आसान वाले। स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग, आमिर भाई आपने इस साइड पास रखना है, मेरे साथ ना घूमते रहना। स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट ही है ना ये। अच्छा अच्छा जी, अब मेरा सवाल, स्टेप्स आप ही बताएंगे, बस डिसाइड कर लेंगे हम आपस में, फिर लिख भी लेंगे। मेरा पहला सवाल, जब एसेट हमने खरीदा था तो एसेट अकाउंट में क्या किया था? डेबिट किया था, क्योंकि एसेट खरीदने पे एसेट हमारे बिजनेस में बढ़ गया था, एसेट का बढ़ना हम करते हैं डेबिट। तो फिर जब एसेट बेचेंगे तो बिजनेस से एसेट निकल जाएगा, यानी एसेट कम हो जाएगा, तो एसेट कम होने पे क्या करना चाहिए? तो स्टेप 1 तो आपने खुद बना लिया कि अगर एसेट डिस्पोज हो रहा हो तो हम एसेट अकाउंट में से उसको क्रेडिट कर देंगे। मैं लिखवाता हूं, अभी मैं लिखवाता हूं, अंग्रेजी में लिखवा देता हूं, ठीक है ना। लेकिन मेरा अगला सवाल, अभी सवाल पूरा नहीं ना हुआ, अगला सवाल, हमने एसेट अकाउंट में से जो क्रेडिट करना है तो किस अमाउंट को करें? सादा अल्फाज में जवाब दूं तो जो इसमें पड़ी है, जो इसमें वही अमाउंट निकलेगी ना। अब आज हम एसेट अकाउंट किस पे बना रहे हैं, 2-4 दिन बाद जब बुक वैल्यू बनाएंगे तो एसेट्स उसके अंदर बुक वैल्यू पे पड़े होते हैं, फिर हमारा ये उसूल बदलेगा भी सही, लेकिन फिलहाल एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। तो सारे एसेट्स इसमें किस पे पड़े हैं? कॉस्ट पे। तो जब एसेट निकालेंगे तो फिर क्या चीज निकालेंगे? उसकी कॉस्ट ही निकालेंगे, ठीक है। तो जो 40 रुपए कॉस्ट है इस एसेट की, स्टेप 1 क्या है? इसे एसेट अकाउंट में से निकाल, चल भाई एसेट निकल, क्रेडिट, ठीक है ना। तो स्टेप 1 लिखें, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्या कर दें? क्रेडिट। क्यों? चला गया,
चला गया तो एसेट को क्रेडिट करो, करो किस अमाउंट से जो उसमें पड़ी है। अब अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग बना रहे हैं तो मतलब जमाई ना लेना, मतलब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे, तो फिर कॉस्ट ही पड़ी है, सारे एसेट्स की कॉस्ट ही पड़ी है, तो एसेट का आना तो कॉस्ट पे होता ही है, जाना भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो स्टेप वन वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, किस दिन ये एंट्री की है, 30 जून 18 पर। इसके अगेंस्ट, इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या होना है ये इंशाल्लाह कल बताऊंगा। नहीं कुछ कैश वैश नहीं, कुछ छोड़ दें, छोड़ देना क्वेश्चन मार्क, आपने जगह खाली रखनी है, क्वेश्चन मार्क ना डालना, फिर आपका तो नहीं मिटेगा, मैं तो यूं करके मिटा सकता हूं। ठीक है, डेबिट क्या होना है वो छोड़ दें, कल स्टेप थ्री और फोर भी तो करने है ना। ठीक है, अभी मुश्किल वाला काम ये कर लें, बल्कि मुश्किल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमने सारी मेहनत ऑलरेडी यहां पे कर ली है, बस अब उसको सामने सिर्फ जगह पे पहुंचाना है इन चीजों को जो तैयार हो चुकी हुई है जी। तो स्टेप वन क्या हुआ, जो एसेट गया है उसकी कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकाल, इसमें 40 पड़ा बोलो, निकाल दिया हमने। ठीक है, क्योंकि एसेट चला गया। अब जब ये एसेट चला गया है तो इसकी कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, कहां फेंका वो कल बताऊंगा। तो अगर ये एसेट बिजनेस से निकल के चला गया कहीं, तो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने पास रखे रखे बोलो, पढ़ाई पढ़ी रहे, जब एसेट चला गया है तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी निकाल दो, सही है। अब एसेट अकाउंट की नेचर डेबिट थी, यहां से कुछ निकालना पड़ा, कम करना पड़ा, तो क्या किया हमने, क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्रेडिट है, अगर यहां से कुछ निकालना पड़े तो क्या करेंगे, डेबिट। अब जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट किया और इस जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, कितने अरसे की, 6 महीने की नहीं, सारी जिंदगी की, 3 महीने ये 2 साल और ये 6, ये 2 साल 9 महीने की डेप्रिसिएशन यहां से हमने डेबिट करनी है इसकी। वो ऑलरेडी मैंने निकाल ली थी, फिलहाल हो जाएगा काम। ठीक है, और सही है। तो फिर स्टेप टू क्या बन गया, स्टेप वन क्या बना था अभी बताया हमने, हम एसेट अकाउंट को जाने वाले एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे। स्टेप टू क्या बना, अभी लिखते हैं, पहले बताओ, हम डेबिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, कितने अरसे की, सारी जिंदगी की, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक। ठीक है, तो स्टेप टू लिखें, स्टेप टू लिखें, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद accumulated depreciation of disposal, with accumulated depreciation of disposal, आगे ब्रैकेट में लिख लो, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, और डीओपी और डीओएस लिख लेना, वक्त बच जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखो, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज डीओपी टिल डीओएस। अब ये स्टेप टू क्या बना, स्टेप टू क्या बना, वी विल डेबिट द, अच्छा समझ आ रहा है, एसेट अकाउंट में से 40 क्रेडिट क्यों किया, एसेट चला गया तो एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट बड़ी से निकाल दी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को 11 रुपए से, क्या बोला मैंने, सारी दिन की डेप्रिसिएशन यही निकाली थी ना अभी, 11 रुपए से डेबिट क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एसेट चला गया, एसेट अकाउंट की नेचर डेबिट थी तो कुछ निकालने के लिए क्रेडिट करना पड़ा, अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट की नेचर क्रेडिट है तो कुछ निकालने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप टू क्या लिखा हमने अभी, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, कितना है, 11 इस अकाउंट में डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, और 30 जून 18 पर, और क्रेडिट किस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या होना है ये इंशाल्लाह कल। ठीक है ना, तो ये मुश्किल काम हमने कर लिया डिस्पोजल का, कल आसान है उल्टा। ठीक है, सवाल खत्म हो गया जी, क्लोजिंग निकाले, 31 दिसंबर 18 पर क्लोजिंग बैलेंसिंग,
नहीं निकल रहा, 380 है ना, इसमें से 40 गया तो 340 क्लोजिंग में रह गया, ठीक है। जी 153.4, 142.4, सवाल खत्म, ठीक है। मुश्किल आसान, तो अगर डिस्पोजल आ जाए, अगर डिस्पोजल आ जाए तो सवाल की सेहत पे क्या असर पड़ा? पहला असर पड़ा डेप्रिसिएशन की वर्किंग में, क्यों नहीं कोई नहीं पड़ा। ओपनिंग में से हम डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट माइनस करके अलग ले आए, बकाया को यहां डेप्रिशिएट किया, डिस्पोजल को यहां डेप्रिशिएट किया, एक तो वर्किंग में यह चेंज आया। दूसरा, डिस्पोजल की वजह से एसेट अकाउंट में नई चीज क्या आई, ये क्रेडिट हुआ इस जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में नई चीज क्या आई, ये डेबिट हुआ इस एसेट की सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ आई। लेकिन बच्चों ये 11 इस तरह से नहीं निकाला करना हमने, ये बहुत टाइम लग जाता है, 10-15 साल एसेट की लाइफ गुजर चुकी हो तो टाइमलाइन बना के बैठे रहेंगे फिर पागलों की तरह, ऐसा नहीं है, बल्कि एक शॉर्टकट है स्ट्रेट लाइन मेथड में ना, एक शॉर्टकट है। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या है, सवाल हो गया, लेकिन अब मैं एक वर्किंग वन का जो फॉर्मेट होगा वो छोटी सी वर्किंग होगी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल जो है ना वो ऐसे नहीं निकाला करनी हमने, ठीक है ना, वो शॉर्टकट से निकालेंगे स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या बताइए आपको, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर है। अब मेरे साथ मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर एक साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपए है और ये एसेट यानी कि पर ये डेप्रिसिएशन की 10 रुपए बनती है और ये एसेट हमारे पास पिछले 2 साल से है तो आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी बन गई। अगर ये एसेट हमारे पास पिछले 2.5 साल से है तो, अगर ये एसेट हमारे पास पिछले 4.5 साल से है तो, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एक साल की डेप्रिसिएशन हो और जितनी जिंदगी उस एसेट ने हमारे पास गुजारी है वो हो तो हम एक स्टेप के अंदर ही ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं जो इतनी लंबी लाइनें लगाकर निकालते रहे। ट्राई कर लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं। तो वर्किंग नंबर 2, आज ये 2 है, कल से ये 1 होगी, इसको मैं 2 किया करूंगा। ये तो आज तो समझाना था ना कि देखो ये 2 भी यहां पर आ गया है और 120 में बाकी भी पड़ा है एंड सो ऑन, ठीक है ना। लेकिन कल से अब समझ आ गई, अब कल से रूटीन में चलेंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग 1 हुआ करेगी, ये वर्किंग किसकी कर रहे हैं जी, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकाला करेंगे। और वो मैंने आपको बताया कैसे निकला करेगी, एक साल की डेप्रिसिएशन अगर हमारे पास एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर आ जाए और हमारे पास आ जाए उस एसेट की लाइफ पास्ट टिल डिस्पोजल, तो ये 2 चीजें आ जाएं तो हम 1 मिनट में ये फिगर निकाल लेंगे 11 रुपए वाली। ट्राई करते हैं, सालाना डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 40 × 10 स्ट्रेट लाइन मेथड का, ठीक है, इंटू लाइफ पास्ट टिल डिस्पोजल, ये यहां पर लिख लेते हैं, जबानी भी हो सकता है वैसे तो, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने 2.5 साल बोला है इसको, 2 साल 9 महीने बोला है ना, 3 महीने 15 में, फिर पूरे 2 साल 16 और 17, फिर 6 महीने 18 में, तो ये बन गए 2 साल और 9 महीने। 9 महीने का मतलब होता है 9/12 करो तो 0.75, 0.5 साल, तो 3.5 साल ही बनते हैं। लेकिन जबानी नहीं करना, लिख लो, डेट ऑफ परचेज है 1 अक्टूबर 15, डेट ऑफ सेल है 30 जून 18, अब ईयर एंड दिमाग में रखो 31 दिसंबर, तो 1 अक्टूबर 15 वाला जो एसेट है वो 31 दिसंबर 15 तक 3 महीने चलेगा, 31 दिसंबर 16 में पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, 31 दिसंबर 17 में पूरा साल इस्तेमाल हुआ है और 31 दिसंबर 18 वाले साल में 6 महीने। अब कैलकुलेटर पे इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 2.75 ईयर्स, ठीक है। ये पर्चे में भी इतनी चीजें हम थोड़े लिख रहे होंगे, जबानी ये लिखेंगे सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आगे ये अंग्रेजी भी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे और डायरेक्ट ईयर्स लिख देंगे, लेकिन निकालने का तरीका बता दिया आपको, ठीक है। डेट ऑफ परचेज लिखी, डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर 15, समझ आए, 1 अक्टूबर 15 को ये एसेट आया था तो पहला साल 31 दिसंबर 15 पे एंड हुआ, उस साल में 3 महीने, 16 वाले साल पूरा, 17 वाला साल पूरा, 18 वाले साल में 6 महीने,
तो कैलकुलेटर पे इन सबको ऐड करोगे तो 2.75 आएगा, ये ईयर्स हैं भाई, समझ आई आपको? अच्छा तो 2.75 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया? 11. ठीक है, यही 11 वहां पे भी निकाला हुआ, ठीक है। तो ये स्टेप टू के अंदर यूज करना है, ठीक हो गया। तो इस सवाल को दोबारा कर लेना, जरा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 22वां सवाल है, देखो होमवर्क में जो है इसमें डिस्पोजल नहीं है। 23वां सवाल, इसमें खैर से तीन डिस्पोजल है। अब अगर तीन डिस्पोजल है तो क्या करोगे? अलग अलग ट्रीट करना है, मतलब जैसे एक के लिए ये काम किया है ना, उन तीन के लिए अलग अलग ये काम करना है, यानी कि तीनों की अलग अलग कॉस्ट, -40, -20, -10, तीनों के अलग अलग, यहां डेप्शन 40 वाला, 30 वाला, 10 वाला, तीनों के लिए अलग अलग ये वर्किंग, तीनों के लिए अलग अलग ये दोनों स्टेप्स, क्योंकि तीनों अलग अलग एसेट्स है ना इस अकाउंट के अंदर आएंगे। ट्राई करना इंशाल्लाह, कल इसका सलूशन भी दूंगा और मजीद प्रैक्टिस भी इसकी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।